Vardhaman Academy, an English medium co-educational senior secondary school, classes from nursery to 12th, smart classrooms, Wi-Fi computer lab, advanced maths and science labs, well-stocked library, best environment for games, yoga and music. Vardhaman Academy, Railway Road, Meerut. Sakya, aaj mujhe neend nahi aayegi. Suna hai teri mehfil mein rat jagga hai. Aankhon aankhon mein ye raat guzar jayegi. कुछ ऐसा ही माहौल है पांच राज्यों के विधानसभा चुनाव के प्रत्याशियों का। चुनाव तो हुआ, उसके बाद हार जीत के आंकड़े शुरू हो गए, चाय की चुस्कियां हुई और दावे प्रति दावे भी। हर तरफ हर प्रमुख प्रत्याशी का जलवा और जीत का बढ़ चढ़ कर दावा। कुछ लोगों को हार सामने नजर आ रही है, लेकिन जीत का जज्बा और दिखावा दोनों ताल ठोक कर। इसके बाद इन जीत हार के दावों पर एग्जिट पोल ने अपना सियासी रंग बिखेरा। मन माफिक रहे तो दिल को तसल्ली हो गई, और विपरीत रहे तो कहा गया कि इससे पहले भी एग्जिट पोल होते रहे हैं। रालोद प्रमुख जयंत चौधरी ने तो यहां तक कह दिया कि ईवीएम खुलने से पहले हार जीत के ये आंकड़े कहां से आ गए, यानी सब मनोरंजन के साधन हैं बस। मतगणना स्थल सज चुका है, ईवीएम अपने नतीजे सुनाने के लिए बेताब है। संगीन पहरे में कैद ईवीएम भी सुबह 8 बजे का इंतजार कर रही हैं, कुछ ऐसा लग रहा है। आज फर्स्ट बार टीम ने मेरठ के लोहिया नगर मंडी में बनाए गए मतगणना स्थल का जायजा लिया। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता बाहर जमे हुए हैं। हमारी संवाददाता शिवानी गौतम की यह रिपोर्ट। नमस्कार, मैं हूं शिवानी और आप देख रहे हैं फर्स्ट बाइट। आज हम आए हैं उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव की, जहां पर वोटों की गिनती कल 10 मार्च को होनी है, लोहिया नगर मंडी में, जहां पर मेरठ के वोटों की गिनती होने वाली है। जैसे कि कल बनारस में एक भारी संख्या में ईवीएम मशीनें ट्रक में पकड़ी गई है, उसके बाद देखा जा रहा है कि यहाँ पर सुरक्षा का जो बंदोबस्त है वो और ज़्यादा सख्त कर दिया गया है। लोगों की नज़र है कि कल 10 मार्च 2022 को विधानसभा का चुनाव कौन जीतने वाला है। सही। हम अपने पूर्व मुख्यमंत्री राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी के आह्वान पे आए हैं, और सारे कार्यकर्ता आए हैं, और भी हमारे सारे कार्यकर्ता आ रहे हैं, अपना खाना पीना लेके आ रहे हैं, अब 2 दिन यही रहेंगे। जैसा तो आपने सर कल जैसे कि एक मशीन की भरकर ट्रक पकड़ा गया बनारस में, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पूरा देश देख रहा है कि जो बनारस में हुआ है और बरेली में हुआ है, सोनभद्र में हुआ है, पूरे देश ने सोशल मीडिया द्वारा देखा गया है, और अभी तक वहाँ के जिला अधिकारी महोदय को सस्पेंड नहीं किया और चुनाव आयोग ने कोई संज्ञान नहीं लिया। ये देश में संविधान की, लोकतंत्र की हत्या है। जो लोग, जनता ये सोच रही है कि जिन्होंने महंगाई के ऊपर, बेरोजगारी के ऊपर समाजवादी पार्टी को वोट दिया, वो वोट का हनन ये शासन प्रशासन के लोग मिलकर के कर रहे हैं, सरकार की सहमति और सहयोग के साथ कर रहे हैं। तो मैं बताना चाहता हूँ कि समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता किसी भी विधानसभा में अब ऐसा नहीं होने देंगे। वो सतर्क हो गए हैं और वो अपने वोट को, अपने प्रत्याशियों की वोट को, और जो जनता ने विश्वास कराया समाजवादी पार्टी के ऊपर, उसको बचाने के लिए अपना घर बार छोड़ करके अपने अपने विधानसभा गिनती स्थल पर आ गए हैं। पुलिस प्रशासन से आप क्या अपील करना चाहेंगे इसके बाद? देखिए, हम लोग ये कहना चाहते हैं पुलिस प्रशासन से कि जनता की खून पसीने की मेहनत से जो जनता ने टैक्स जमा किया है, उससे आपको तनख्वाह मिलती है, तो आप जनता की सुरक्षा में, जनता की वोटों की सुरक्षा में निष्पक्ष होकर के काम करिए। चाहे समाजवादी पार्टी की सरकार बने, चाहे भाजपा की सरकार बने, आप किसी के लिए पार्टी विशेष मत बनिए। अगर आप ये सोचते हैं कि देश में आपका घर परिवार जिस तनख्वाह से चल रहा है वो जनता ने दी है, तो उसका हक अदा करिए। आप बिल्कुल भी किसी की पार्टी मत बनिए, और अगर आप कोई भी ऐसा कोई गलत कदम उठाएंगे तो शासन प्रशासन के लोग भी हम में से ही हैं, वो कोई अलग से नहीं बन के आएगी, अलग से उनकी ट्रेनिंग हुई है, हम में से ही है, वो भी इंसान है, और जनता का बल इतना बड़ा बल होता है कि उसके सामने कोई भी शासन प्रशासन कुछ नहीं है। इस खबर में फिलहाल इतना है। आप
देखते रहिए फर्स्ट बाइट ऑफ टीवी।